नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने हमें इतना सारा प्यार दिया, स्नेह दिया कि आज गोपाल आश्रम अखाड़े को पूरे भारतीय स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर भी लोग जान रहे हैं। आपको बता दूं मैं कि हाल ही में यहाँ पर श्रीकांत शर्मा जी भी आए थे, सांसद हेमा मालिनी जी हैं, उन्होंने अखबार के माध्यम से मल्ल विद्या को आगे बढ़ाने हेतु अपना एक नोट भी दिया था, जिसमें बताया था कि जो ब्रज की जो संस्कृति है उसमें मल्ल विद्या कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई है। और आप सभी हमारे वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं, तो मैं आपको एक कंपटीशन के बारे में बता दूँ, विशाल कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के बारे में, जो कि 28 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। और आयोजक हनुमान पहलवान जी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको इनसे भी मिलाऊंगा और आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दंगल होने जा रहा है मथुरा के श्री रामलीला मैदान में, जहाँ पर 20 से 25 हज़ार की जो है गैदरिंग होती है। तो पहलवान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे तैयारियाँ किस प्रकार चल रही है? काफ़ी तैयारी चल रही हैं, पहलवानों से बातें चल रही हैं, जो जो पहलवान आ रहे हैं पंजाब से, हरियाणा से, या महाराष्ट्र से, दिल्ली से, अपने ब्रज के पहलवान भी हैं, सब भी हम कुछ भी करेंगे, सबसे बातें चल रही हैं। सिन्हा शर्मा जी जो मुख्य अतिथि हमने बनाए हैं, उन्होंने भी अपनी बात हो गई है, वो आएंगे। और भी काफ़ी यहाँ से जो राजनीतिक हैं, नेता हैं, जो पहलवानी के लिए खेल के प्रति समर्पित हैं, हम उन सबको बुलाएंगे। और पांडित जी जो दंगल को कवरेज करेंगे, इनका भी काफ़ी सहयोग है। मैं बताना चाहूँगा कि श्रीकांत शर्मा जी यहाँ पर इस दंगल में 28 तारीख को मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे, साथ ही सांसद हेमा मालिनी जी, उनके भी आसार हैं आने के। और कई ऐसी महान हस्तियाँ भी हैं, लोग हैं जो पहलवानों के साथ साथ जुड़े हुए हैं, वो आएंगे। साथ ही महिलाओं के विकास के लिए हमारे साथ सुनीता पिचरमैन है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ महिला की जो कुश्ती है वो भी है, और उनके लिए सुनीता पिचर मैम जो मौजूद रहेंगी, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अथक प्रयास कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर काम कर रही हैं। मैं मैम से भी जानना चाहूँगा मैम कि कुश्ती में जब महिलाएं आएंगी, जहाँ 20-25 हज़ार के दर्शक होंगे, तो वहाँ पर बालिकाओं को कुश्ती खेलता हुआ देखकर हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि कुश्ती का भविष्य, मल्ल विद्या का भविष्य कैसा रहेगा? वेद प्रकाश जी, देखिए आप लोग तो खेल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, मिशन शक्ति के थ्रू भी आप लोग सेल्फ डिफेंस के थ्रू गर्ल्स को प्रमोट कर ही रहे हैं गेम्स में, तो मैं मानती हूँ कि अगर गर्ल्स इतने क्राउड में खेलेंगी तो बाकी गर्ल्स को भी मोटिवेट करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए और लड़कियों को भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में और गेम्स में खेले, जिससे कि वो मथुरा का ही नहीं, पूरे मतलब हम कहेंगे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। तो हमारी शुभकामनाएं हैं सभी प्लेयर्स के साथ कि वो अच्छे से प्रदर्शन करें और आप लोग उनको पूरा सपोर्ट करें। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने बताया कि बालिकाएं खेलेंगी तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और आपको बता दें कि बालिकाओं ने ओलंपिक स्तर पर भी जो है कुश्ती में पदक जीते हुए हैं, साक्षी मलिक हैं आपकी, तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, भारत स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से लोग हैं, ताइवान, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना से भी हमारे वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं। यदि आप भी चाहें तो इस इवेंट में आकर अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी देकर इस इवेंट को सफल बना सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि हमारे जो पहलवान हैं वो विदेशों से भी इस प्रतियोगिता में आए, तो ये एक सफल जो है प्रतियोगिता मानी जाएगी। अक्सर करके हम देखते हैं कि ब्रज में कुश्ती होती है तो यहाँ के लोकल पहलवान तो आते ही हैं, अखाड़े के पहलवान आते हैं, लेकिन यदि अगर विश्व स्तर से कोई अगर पहलवान आए तो कैसा रहेगा, बताइए आप? विदेश से, यहाँ अलग राज्य से कोई पहलवान आए, उसका स्वागत है, उसकी हम कुश्ती कराएंगे जरूर, अपने यहाँ से अच्छी कुश्ती कराएंगे उनकी। जो भी आएगा वो अपना अतिथि है, चाहे वो पहलवान आएगा, चाहे वो जनता देखने वाले हैं, या कोई भी हम अतिथि बुलाएंगे, सबको हम बुलाएंगे, हम संतुष्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे यहाँ दंगल से कोई भी पहलवान निराश होकर ना जाए, सारी कुश्ती हैं, शाम की कुश्तियाँ हों। तो जितने भी दर्शक हैं जो हमारे इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप लोग 28 दिसंबर याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, रिमाइंडर में डाल लीजिए कि 28 दिसंबर को मथुरा के श्री रामलीला मैदान में विशाल कुश्ती दंगल 11 बजे से आयोजन होगा। और जो नहीं आ पाएंगे वो इस वीडियो, जो हमारा दंगल है उसके वीडियोस को जो है YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसे लाइव भी करें, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ कर रहे हैं। और एक बार फिर से लास्ट में मैं सभी के साथ कहना चाहूँगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और स्वागत है आप सभी का इस कुश्ती दंगल में।